जी यस सर, सर वो मैं बस 5 मिनट लेट थी सर, बस 5 मिनट। यस सर जी, अच्छा यस सर, मैं अभी आती हूँ सर। माफ कीजिएगा, ओ क्या क्या नाम है साहब का, डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, मेरे बड़े दिन है ना ऑफिस में, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। कल जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने मुझे नाम बताया था, कह रहे थे कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। जी हाँ, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था, क्या नाम है आपका? सफदर, सफदर अली। सफदर अली, हाँ की तारीफ? सफिया, सफिया अजीम। सफिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अब अगर इसे आप कर दें तो मैं आपको आपके काम के बारे में बता दूं। जी माफ कीजिएगा, दरअसल मैं देर से पहुंचा, बात दरअसल ये हो रही थी कि मैं गलत रूट की बस में सवार हो गया था, तो मैंने आमतौर पर वक्त के बारे में बहुत ख्याल कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन में इसलिए ठीक है। पहले दिन डायरेक्टर साहब जी ने आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे ना वही रहेंगे, और मैं अपने डिपार्टमेंट में वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखूंगा। आप रखिए, फिर आज के बारे में तो मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया, मैं आपको बहुत एहसानमंद हूँ। इसमें एहसानमंद होने की कोई बात नहीं, दरअसल किसी भी इंचार्ज को अपने आदमी की छोटी मोटी गलती तो निभानी ही पड़ती है ना। वैसे सर तो साहब मैं इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज नहीं बनना चाहती थी, पर सर मुझसे ना सख्ती नहीं बची किसी पर भी। आप अपने लंच कैबिनेट में रखें। इस तरह खाने की ताजगी जो है वो बरकरार रहेगी। बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इस फर्म में मुलाजमत मिल गई। दरअसल देखिए ना, कंपनी में आमतौर पर औकात कार की पाबंदी का ख्याल नहीं किया जाता, बाज़ दफ़ा 9-10 बजाते हैं, मैं शाम को कॉलेज जाता हूँ, और अगर मैं इस किस्म की किसी कंपनी में मुलाजिम हो जाता हूँ तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या बनेगा? आपको ज्यादा चोट तो नहीं? नहीं, आप बहुत ही बाहिमत हैं। नहीं नहीं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? ये टूटी थी जी, मतलब है कि सुबह दफ्तर रात को कॉलेज। जी नहीं, ये तो है, देखिए लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरा कभी मीठा होता है, अगर मैं 2 साल के बाद जब वकील बन जाऊंगा तो मुझे ये सोचकर कितनी खुशी होगी कि मैंने बगैर किसी का एहसान लिए, बगैर किसी के सामने हाथ फैलाए ही अपनी मंजिल पा ली है, अपनी मेहनत मशक्कत से अपनी जिंदगी बनाई है। ये तो है, वो शहर में मेरे एक अंकल हैं, बहुत मशहूर कानून दान है इस शहर के, फरीद अली। आप किसी से भी किसी राजा से नाम पूछ लें उनका, फरीद अली, वो आपको बता देगा कि क्या चीज है। अगर मैं यहाँ जमीन पर आया खड़े थे सिर्फ एक टेलीफोन करने की देर है, मेरी सारी मुश्किल आसान हो जाएंगी, लेकिन ये अहमियत गवारा नहीं करती। मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। आपके आपके ख्याल बहुत आला है जी। मेरे रिश्ते के एक भाई थे, जी वो मेडिकल में पढ़ रहे थे, वालिद साहब उनका तमाम खर्चा बर्दाश्त करते थे, एक ढीले का वो काम नहीं करते थे, बस सारा दिन सैर सपाटा या कॉलेज। पता है क्या हुआ, मेरी चाची जाने ने दूसरी शादी कर ली, चाची ने मेरे और कजिन का तमाम पॉकेट मनी जो था ना वो बंद करा दिया, बेचारा बिल्कुल तबाह होकर रह गया।
जी वो कहते हैं ना कि किरदार का तो कोई बदल नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं भी हमेशा यही बात कहती हूँ। अच्छा बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अब काम शुरू करना चाहिए ना, वरना डायरेक्टर साहब को ना मुदाफ हो जाता है। दरअसल आजकल ना हमारे हमारे दफ्तर में ना एक प्रमोशन कैंपेन लगी हुई है, शायद इसीलिए उन्होंने आपको मुलाजिम रखा। और अच्छा खैर, ये जो लिफाफे हैं ना, इन पर आपको नाम और पते टाइप करने हैं। मैसेज जो है मैं टाइप कर दूंगी, ठीक है? आप सिर्फ नाम और पते टाइप करिएगा, बहुत एहतियात से, इस डायरेक्टरी से निकाल कर, ठीक है? और देखिएगा बहुत एहतियात से टाइप कीजिएगा, कहीं कोई कोई नाम जो है ना वो छूट ना जाए, इसलिए कि कभी कभी डायरेक्टर साहब चेकिंग करने के लिए बैठ जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सीले हैं। मैंने ए से टाइप करना शुरू किया था, आप बी से शुरू कर दें, ठीक है? है, ये तो मैं टाइप कर लूंगी, आप सिर्फ नाम और पते टाइप कर लें। इस तरह एक तो काम हो जाएगा। ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं। थोड़ी देर के बाद तो आप बगैर सोचे समझे टाइप करना शुरू कर देंगे। पहले लिफाफे को मैं गलती कर बैठा, वो दरअसल बात यह कि मैंने बहुत अच्छे के बाद टाइपराइटर को हाथ लगाया, काफी अच्छे तो बेकार फिर कर रहा हूँ। इसको आप यहाँ मत फेंकिएगा, अगर डायरेक्टर साहब ने देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे। शुरू में ना आप आहिस्ता आहिस्ता टाइप करें, ठीक है? जी। अच्छा आप अपनी थोड़ी सी ऐसे पीछे होके बैठे, कमर जरा सी आप सीधी करें, ऐसे। अब आप टाइप करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता टाइप कीजिएगा। ऐसे इधर उधर नहीं देखना है, नजर जो है ना वो मटेरियल पे रखनी है। मैं आपकी मदद और हमदर्दी के लिए आपको बहुत मशकूर हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है सफदर साहब। ये साहब आप क्या होता है, सिर्फ सफदर के लिए सफिया साहब। सफिया सफदर, मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, हालांकि इतनी सुबह कभी बुलाते तो नहीं, पता नहीं आज क्या बात है। खुदा खैर करे। आप पता है क्या, आप अपना काम जरूर जारी रखें, अगर उन्हें टाइपराइटर चलने की आवाज नहीं ना तो बहुत उनका मूड ऑफ हो जाता है, जो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया कि अब तक हमने काम शुरू क्यों नहीं किया। बहरहाल मैं, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत सफिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सफदर, से जा रही हूँ बस।
सब साहब इसमें हंसने की कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक कहना वो मैं ही जानती हूँ। हर वक्त इसी दुर्घटना में लगे रहना कि काम को किस तरह बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसके बाद मेरा भी कोई हक बनता है कि नहीं? कहाँ गया मेरा चाबियों को पूछा था। एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा ख्याल है बहुत गुस्से में, अगर आप आराम से बैठ जाए, ठंडे दिल से गौर कर लें, जरा सोच लें। सोचना क्या, बस मैंने फैसला कर लिया, जब मैं फैसला करूँ तो मैं उसको बदलती नहीं। वो तो ठीक है, मैं भी किसी ऐसी फर्म के साथ कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करती जहाँ पे मुलाजमी, वो भी सीनियर मुलाजमी के साथ ये सलूक किया जाता है, उनके जज्बात का ख्याल ना रखा। नहीं, बात तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन देखिए ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। और वैसे भी देखिए समय साहब, आजकल मुलाजमतें इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाती। जी, मुझ जैसी एक्सपीरियंस लड़की के लिए ना मुलाजमत तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं, समझे आप? मुझे तो यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कितनी ऑफर्स आ चुकी है, वो तो मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया सिर्फ एहसास वफादारी की वजह से, वरना तो बेहुदा शख्स ये नाम दिया है उसने मुझे। सर सर मुझे एक बात बताऊं आपको, मैं इस तरह तो आप उनके इशारों पर नाच रही हैं। इसके इशारों पर मैं नाचूंगी? देखिए ना, मतलब देखिए, ये जानते बूझते कि आप एक हसास लड़की हैं, आपसे इस तरह गुफ्तगू क्यों की उन्होंने? वो चाहते हैं कि आपकी नौकरी छोड़ कर चले जाएं। बिल्कुल, वरना तो ये जानते बूझते कि आप एक हसास लड़की हैं, इस तरह गुफ्तगू करना, इतने जोर जोर से चीखना, आखिर इसके क्या मानी है? ऐसा गुस्से में आप वही कर रही हैं जो चाहते? तो इसका मतलब है कि उसने, और मेरी तो समझ में दूसरी को वजह आती है कि एक हसास लड़की पर इस तरह चीख कर पढ़ना होगी 5 मिनट लेट होने पर सिर्फ। अगर वो ये समझता है ना कि इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल कर लेगा तो मरता मर जाएगा, लेकिन उसकी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। मैं भी उस दिन रिजाइन करूंगी जिस दिन मेरा दिल चाहे। आप देख लीजिएगा सफदर साहब, एक ना एक दिन वक्त पड़ेगा, आ जाएगा दिल हिलाता हुआ मेरे पास। सफिया साहब प्लीज ये काम जरा अर्जेंट है, ये कर दे, वो दिन होगा जब कागजात मुंह पे मार के जाऊंगी। मेरे सामने कीजिए क्या सीन। अच्छा सफेद पसंद भाई, इसकी शादी हो गई? शादी इसकी कौन फूटे मुकद्दर की इससे शादी करेगी? लंगूर इसकी। पहले ना सफेद साहब, इस जगह पे ना एक एक लड़की होती थी, बहुत तेज लड़की थी, पता है आपको वो क्या करती थी? मौसूब के कार्टून बना बना के ना उनके नाम पे पोस्ट कर दिया करती थी, और मौसूब घंटों कार्टून को सामने रखे घुराया करते थे। आपको पता है, यहाँ से पहले मैं एक बेगम साहब को मुलाकात किया करता था, वो चश्मा लगाती थी ये मोटे मोटे शीशों का, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था मोतिया, मैं अक्सर उनका चश्मा छुपा दिया करता था सोफे के नीचे, और उसके बाद घंटों बैठा पढ़ता रहता था, इम्तिहान की तैयारी करता रहता। उन दिनों मैंने बहुत पढ़ा। पता सचिव साहब, मैं यहाँ आने से पहले ना एक एक इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम थी, मैंने मैट्रिक करने के बाद ही ना मुलाजमत करनी शुरू कर दी थी। वहां पे जो मेरा इंचार्ज था ना, बड़ा बदतमीज आदमी था, उसे अपने हाथों पर काबू। मेरा मतलब है कि पता नहीं क्या किया उसने, मेरी कुर्सी के पीछे आके खड़ा हो गया और मुझे बताने लगा कि रिमाइंडर्स के कौन से कॉलम में क्या भरना चाहिए। बात करते करते उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पे रख दिया, मैंने भी घुमा के लगाया एक चांटा मुंह पे उसके। मुझे यकीन है कि उसके बाद उसने आपको मुलाजमत से बर्तरफ कर दिया। जी, उसके बाद मैं रिपोर्टर हूं सीधा। एक बात पूछूं मैं, अगर कोई कोई आपसे ये कहे कि वो आपसे, मेरा मतलब है कोई अगर आपसे ये कहे कि वो आपको, कि वो आपसे, मेरा मतलब है कि कोई आपसे ये कहे कि वो आपको 1,00,000 रुपए देगा, लेकिन उसके बदले में, उसके बदले में आपको अपनी एक टांग कटवानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? कौन सी, सीधी या उल्टी? कोई भी। मैं 1,00,000 रुपए ले लूंगा। मैं तो कभी भी अपनी टांग ना कटवाऊं, चाहे कोई मुझे 1,00,000 रुपए दे। हाँ।
میں شہر کے مضافات میں پیدا ہوا تھا. میرے بچپن بہت دکھی تھا. میں، میرا باپ، میری ماں، ہم تینوں ایک کچے پکے مکان میں رہتے تھے. میں اکیلا تھا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی. جس جگہ ہم رہتے تھے نا، وہاں رات رات بھر کتے بھونکتے رہتے تھے اور ہمارے بستروں پر چوہے کودتے رہتے تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ماں باپ نے شادی کیوں کی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک مشرقی کہتا تھا، دوسرا مغرب کی. میرے باپ کو سوائے دن بھر سونے کی یا پان والے کی دکان پر کھڑے ہو کر سگریٹ پینے اور گپ مارنے کی اور کوئی کام نہیں تھا. میری ماں کام کرتی تھی. میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی. محلے کی سبھی عورتیں کہتی تھی. میں ہم دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا. میرا بڑا دل کرتا تھا کہ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ہم سب ہنستے رہیں، بولتے رہیں، لیکن ان دونوں میں سے کسی کو میری فکر نہیں تھی. مجھے اپنے سارے دکھ اپنے پاس رکھنے پڑتے تھے. ایک روز میں اسکول سے واپس آیا تو میری ماں چاہتی تھی میں پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جاؤں. میرا باپ مجھے کام پر ڈالنا چاہتا تھا، محلے کے ہلوائی کی دکان پر، لیکن میری ماں نے لڑ جھگڑ کر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا. اس دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں راجو چچا کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے. راجو چچا میرے باپ کے رشتے دار تھے، دور دراز کے. وہ ہمارے رہتے تھے. رہتے کیا تھے، صرف رات کو سونے کے لیے آتے تھے، دن بھر پتنگیں بنا بنا کر بیچا کرتے تھے. جب میں اسکول سے واپس آیا تو میں نے دیکھا میری ماں راجو چچا کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی. مجھے اچھا نہیں لگا، بہت چھوٹا تھا میں ان دنوں، یہی کوئی 10-11 سال کا. میں چپکے سے گھر کے اندر گیا. میں نے بستہ اور تختی ایک طرف رکھی اور اس کے بعد باہر نکل آیا. باہر آتے مجھے قے ہو گئی. اس نے میں نے طے کیا کہ آئندہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو میری مرضی کے مطابق نہ ہو. کسی ایسی جگہ نہیں رہوں گا جس جہاں میرا دل نہ لگتا ہو. لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، خاص کر مجھ جیسے آدمی کے لیے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو. ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی، ہر شخص آگے نکل جاتا ہے. ہمیں پیسے کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہی، اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت تھے. میں 13-14 برس کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا. میری ایک بڑی بہن بھی ہے، مدیحہ، اس کی شادی ہو چکی ہے. ہم دونوں کو آپس میں کوئی بہت زیادہ پیار نہیں ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو بہت بہت لڑا کرتے تھے، لیکن بقول امی اور ابو کے کہ غلطی ہمیشہ میری ہوتی تھی. مدیحہ جو چاہتی تھی اسے مل جاتا تھا، جوتے، کپڑے، کھلونے، اور مجھے اس کے ان کپڑے اور جوتوں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا جن سے اس کا دل بھر گیا تھا. میرے والد صاحب بہت عرصے تک بیمار رہے انتقال سے پہلے. ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، میں اس انگوٹھی سے بہت کھیلا کرتی تھی. مجھے بہت پسند تھی وہ انگوٹھی. میں ہمیشہ اس انگوٹھی کو روشنی میں رکھ کے ایک آنکھ بند کر کے دیکھا کرتی تھی تو اس میں سے ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے نیلے اور پیلے سے تارے چمکتے نظر آتے تھے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ انگوٹھی صفیہ بیٹی کی ہے. لیکن ایک دن وہ خاموشی سے گزر گئے اور اس انگوٹھی کا پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ میری بہن مدیحہ کے ہاتھ پر ہے. اس کے بعد دنیا میں رہ کیا جاتا ہے. اور اماں، ان کو تو میں دن رات ایک کر کے سپورٹ کرتی ہوں، لیکن اب بھی وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ غلطی جو ہے وہ میری ہے. فلمیں دیکھتی ہیں آپ؟
फिल्में देखने का शौक है आपको? नहीं, मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं जी। मुझे भी फिल्में देखने का शौक नहीं है। आप रेडियो सुनते? जी नहीं, मैं सभी गाने सुबह कॉलेज मेरी बीवी बहुत शौक से सुनती है रेडियो। आपकी शादी हो गई? कोई काम ढंग से नहीं कर सकता मैं। दिखाइए क्या किया है आपने। सदा साहब इसको इरेज कर लीजिए। हमारे यहाँ दफ्तर में मटेरियल के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। हमारे यहाँ दफ्तर में मटेरियल के मामले में किफायत शारी पहला सूट, समझा? सर मैं मिठा के दोबारा टाइप के लिए नाराज क्यों हो गई यार? मैं नाराज नहीं हूँ, मगर मैं आपकी गलतियों को छुपा छुपा के तंग आ चुकी हूँ, समझा? एक टॉयलेट के साथ भी पहले क्या कर गए, ऊपर से आप भी तशरीफ ले आए हैं। पता नहीं आदमी मुझे क्या समझता है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप खुद समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यह सिला हमदर्दी का, इंसान दोस्ती का, जिसके साथ अच्छी तरह पेश आती हूँ वो मेरे साथ यही सुलूक करता है। नहीं देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं जी हाँ, गलती मेरी है, मैं ही हमेशा गलती करती हूँ। सत्य साहब मैं यहाँ तक भर चुकी हूँ, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, चाहे आप कोई और, समझे आप? अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। फरीद अली साहब से मिलाइए, मैं सफदर अली बोल रहा हूं जी। हेलो चाचाजान, अस्सलाम वालेकुम चाचाजान जी। बस खैरियत से? आप खैरियत से हैं? घर पर खैरियत है? चची जान, बच्चे वगैरह सब जी? हाँ चाचाजान, मुझे एक मुलाजमत मिल गई है एक फर्म में, पार्ट टाइम जी। हाँ, टाइपिस्ट की नौकरी। हाँ बस गुजारा है असिस्टेंट जी। हेलो 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 चाचाजान, चाचाजान वो मैं ये कह रहा था कि आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? बड़ी मुश्किल में हूँ चाचाजान, सुबह ऑफिस, शाम को कॉलेज, पढ़ाई, बड़ी मुश्किल से हूँ जी। जी जी मैं समझता हूँ जी। नहीं नहीं मैं तो आप अपने किसी, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप अपनी फर्म में मुझे पार्ट टाइम, अच्छा आप अपने किसी दोस्त से बात कर लीजिए जी। जी मैं समझता हूँ। अच्छा ठीक है, चाची जान को सलाम कहिएगा बच्चों को। प्यार ये हाय चाचा जान, जो मजा अपने बाजुओं पर भरोसा करके कुछ कर गुजरने में है वो भला। शुक्रिया वैसे आपकी ऑफर का, बहुत बहुत जी। नहीं नहीं शुक्रिया शुक्रिया चाचा। सत्य साहब मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता, आइंदा एहतियात बरतूंगी। ठीक है, माशाल्लाह अब तो आपका हाथ खूब चलने लगा। चलिए किसी चीज पर तो हाथ चलने लगा। क्या बात है आपका, आपका मूड कुछ ऑफ लगता है मुझे। ये नहीं, ये नहीं, सोच रहा हूँ कि खानों का वक्त ही जाया करते रहता हूँ, सुबह ऑफिस, शाम को कॉलेज, छुट्टी के दिन घर का सौदा सलाफ और स्टडी। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है सभी साहब, मुझे ऐश करनी चाहिए। पता नहीं सरदार साहब, वैसे
मेरा ख्याल है कि आप वकील बनने के बाद ना बहुत आराम से रहेंगे। कल की खुशगवार जिंदगी के लिए आज कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। छोड़िए साहब, क्या रखा है बात? आपको क्या ख्याल है कि जितने वकील हैं सारे सारे ऐश करते? जी नहीं, इंसान मेहनत मजदूरी करके भी आरामदेह जिंदगी बसर कर सकता है, सिर्फ जिंदगी गुजारने का सलीका आना चाहिए। जैसे आदमी के लिए तो उसे जो कुछ मिले वो समेट लेना चाहिए। मैं तो बात पाया नहीं, क्या 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 ख्याल के लिए बनाता रहता हूं, क्या क्या सोचता रहता हूं। मुझे हकीकतों का सामना करना चाहिए, सच्चाइयों को आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए। ये टेबल, ये लिफाफे, ये टाइपराइटर, ये ऑफिस, ये सब हकीकत है। मुझे आप देख लीजिएगा, एक दिन मैं ये साबित कर दूंगा अपनी मेहनत से कि मैं इससे बेहतर जगह का अहल हूं। दिन रात मेहनत करके मैं इस पर साबित कर दूंगा कि मुझे इससे अच्छी जगह पर रखा जा सकता है। हो सकता है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, क्यों नहीं? इतनी बड़ी फर्म में आए दिन नई नई वैकेंसीज निकलती रहती है ना। ऐसी लोगों की तो हर जगह जरूरत होती है जो काम छोड़ना हो, मेहनत मजदूरी मेहनत से काम करते हो। देखिए आखिर को मेरी शादी हो चुकी है, मेरे तो बच्चे हैं। आपके बच्चे भी हैं? मैं वक्त है करने का कायल नहीं। देखिए ना सफी साहब, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में अगर अब नहीं सोचूंगा तो फिर कब सोचूंगा? मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तस्वीरें दिखाओ उनको आप खुद की। बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये जो लड़का है मेरा, इसका नाम है फायर, लड़की का नाम है सकीना। लड़के को हम प्यार से फिक्कू कहते हैं, बहुत तेज है। इसको अगर पूरा नाम लेकर पुकारूंगा तो बहुत नाराज होता है, बड़ा लड़का था। सफी साहब, क्या ख्याल है वो डायरेक्टर साहब से कुछ एडवांस की बात करूं? पैसों की पूरी जरूरत है। देखिए ना, आजकल की तो अखराजात भी कमर तो डालती हैं, कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, तनख्वाहें। अगर इस फर्म में कोई यूनियन वगैरह होती तो कुछ देखें, शायद मैं ही कुछ इस सिलसिले में करूँ। वैसे क्या ख्याल, आप मान लो पैसे उनसे मान जाएंगे? पता नहीं सब्जो साहब, दरअसल आजकल बास का मूड ना मिनट मिनट के बाद बदलता रहता है। वैसे आज उन्होंने ना सिया चश्मा लगाया हुआ है, जिस दिन वो सिया चश्मा लगाते हैं ना उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा होता है। जाइए और हिम्मत से काम लीजिएगा, और हो सकता है इसमें आपकी कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। जब हेलो अम्मा, मैं सफिया बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये बताइए कि वो मशीन वाले वर्कशॉप से मशीन दे गए थे? अच्छा, आपने टांके वगैरह देख लिए थे, सही आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, आप रसीद पर ऐसे ही दस्तखत मत कर दीजिएगा। हाँ, उन्होंने गारंटी दी है अम्मा, कमाल करती हैं आप। हाँ, बगैर उसके जब तक आपको इत्मीनान ना हो जाए ना, आप मशीन मत लीजिएगा। बिल्कुल हाँ, ठीक है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि वो मेरे लिए कोई टेलीफोन आया था? नहीं आना तो नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा ये बताएं कि मदिहा आई थी, फोन आया था, क्या कहती थी, किया था उसने फोन, क्या कह रही थी? नहीं भाई, नहीं मैम, देखो मैं सनीचर को नहीं आ सकती, इतवार को। अच्छा तुम ऐसा करना, तुम मुझे टेलीफोन कर लेना, ठीक है? मगर मैं वादा नहीं करती हूँ, ठीक है? अच्छा खुदा हाफिज़। लगता है आपका काम बन गया। जी मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया।
उसे मेरी प्रमोशन की बात कर रहे थे। कहते कि मेरा नाम उनके जहन में पहले ही से था। एक आध हिच है, उसके बारे में दो एक रोज में सोच कर जवाब देंगे। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस कुछ देर है, एक बार मैं चल निकलूं, फिर तुम देखना कि मैं कहां तक जाता हूं। मैंने उनको बताया ना कि मुझे कानूनी मामलात की भी सूझबूझ है। बहुत मुतासर हुए, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे मुझे। आज तुमने साबित कर दिया सफदर कि तुम वाकई बहुत एंबिशियस हो। मेरे सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आंसुओं की, तमन्नाओं की दुनिया। इस खिड़की से आगे, इस ऑफिस के बाहर मैं अपनी सारी तमन्नाएं समेट लेना चाहता हूं, अपने सारे ख्वाब देखना चाहता हूं। हम देख लेना एक न एक दिन जिंदगी ख्वाबों और आंसुओं और तमन्नाओं से भरी पड़ी है। समंदर की सैर, समंदर के किनारे भेलपुरी, मंचर झील पर मछली का शिकार, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत तारीखी मकामात का टूर, नई नई दोस्तियां, पहाड़ों पर छुट्टियां हर साल। सफदर, जिंदगी कितनी हसीन है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं गाऊं, नाचूं, जोर जोर से हंसूं, हंसती रहूं, हंसती रहूं। मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आज सुबह बगैर नाश्ता किए ही जल्दी में घर से निकल आया था। मैंने भी पता है सुबह सिर्फ एक चाय की प्याली पी थी। तुम खाने में लाई क्या? मैं लाई हूँ पराठा और अंडे का आमलेट। तुम क्या लाए हो? मैं भी पराठा और थोड़ी सी सब्जी है, शायद शामी कबाब है। अच्छा, तो फिर 2 बजे? 2 बजे। अच्छा, भैया अब तो बिल्कुल ही भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे री, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने वादा किया। मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना खाने को दिल चाह। क्या हो गया तुम? ठूसो, तुम सब अपेक्षी होती हो, बेसब्री, कमकल, बेवकूफ, तोता चश। मैं 2 बजे से पहले खाना नहीं खाऊंगा। सत्तर साहब, क्या हो गया? मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरा दिल चाह रहा है खाना खाने को। बात करने से पहले सोच लिया कीजिए आप क्या कह रहे हैं, और कभी कभी दूसरे की भी बात सुन लेनी चाहिए। और जहां तक सब्र का ताल्लुक है ना, तो मैं आपसे कहीं ज्यादा साबिर हूं। कितने लोग हैं जो मेरी तरह भूखे रहकर काम कर सकते हैं? वाकई? जी हाँ, वाकई। अभी देख लेते हाथ कंगन को आरसी क्या सुपरवाइजर साहिबा? एक तो आपको मेरे सुपरवाइजर होने का हसद मारी डाल रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप सुपरवाइजर हैं, बार बार जताने की कोई जरूरत नहीं है। सफदर साहब, दरअसल मैं इस डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर बनना नहीं चाहती थी, मुझसे किसी पर सख्ती नहीं होती। सफदर साहब, अगर आप ये तौर तरीके रहे ना, तो अब आप मजीद ज्यादा इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। हाँ, जाइए जाइए, जाकर अपने डायरेक्टर साहब से शिकायत लगा दीजिए मेरी। जाइए, आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप जैसे आदमी को जिसे कानूनी तजुर्बात भी है और सब कुछ है, और जिसके इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं, उसको मेरा एहसान लेने की भला क्या जरूरत हो सकती है? सके साहब, मैं
मैं आपसे नफरत करता हूं। सत्तर साहब, आपके बारे में जो मेरे जज्बात की शिद्दत है ना, मैं उसको लफ्ज नहीं दे सकती। आप बहुत घिनौने आदमी हैं। फिर आप ही मुलाजमत छोड़ क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं छोड़ देते? समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं भी अक्सर यही सोचती हूं, पता नहीं ये शख्स चाहता क्या है। आपको नहीं मालूम क्या चाहता हूं? जानना चाहती हूं कि मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने बाजू में समेट कर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं और अपने हाथ से तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी नोच। सफदर, जब से मैं यहां आया हूं मेरे सेम को एक लम्हे के लिए सुकून नहीं है। हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूं। अब तुम्हें पता चला मैं क्या चाहता हूं? समझ गई तुम क्या चाहता हूं मैं? सफदर, मैंने पता नहीं चुपके चुपके कितनी बार ये सोचा है कि ये शख्स कितना अनरोमांटिक है, कभी कुछ कहता ही नहीं। टाइपराइटर के सामने बैठकर मैं तुम्हारी आवाज सुनने की मुंतजर रही कि शायद सफदर अब कुछ कहेंगे। सफदर, मुझे अपनी मम्मी से बात कर लेनी चाहिए। तुम भी अपनी बीवी से बात कर लो। मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझूंगी। बच्चे? हम शादी कर लेंगे। नहीं सफदर, तुम समझती नहीं। हम शादी कर लेंगे ना। मुझे भूख लग रही है। सफदर, मुझे माफ कर देना, गलती मेरी है। गलती किसी की नहीं सफदर, बस मैं नीचे होटल तक जा रहा हूँ चाय लाने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वाकई भूख नहीं? करें, बस आप अपना ख्याल रखें। मुझे क्या हुआ है? ये बताएं कि बाहर मौसम कैसा है? सर्दी कल की नस्बत कुछ कम है, सूरज में तनाजब भी ज्यादा है। चाय निकालूं? चाय? हाँ निकालूं। लो।
चौराहे को पकड़ा गया था सिगरेट लेने के लिए। यहाँ नीचे मिल नहीं रहे थे, बड़ी भीड़ थी भाई। लंच खत्म हुए काफी देर हो गई, लेकिन लोग फिर भी पानों की दुकानों पर खड़े हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। बड़ा वक्त है लोगों के पास, इतना वक्त आता कहाँ से उनके पास? दफ्तर से। तो दफ्तर में जो हम और तुम भी काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं सफर, वो लोग आराम करते हैं। मैं सोचता हूँ सफिया के हुआ क्या? किसके साथ? मेरे साथ। मैं तो बहुत आजाद हूँ, मैं जिंदगी गुजारने का कायल था, न बीवी न बच्चे, कोई जिम्मेदारी नहीं। जब जी चाहे सो, जब जी चाहे उठो। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं यही चाहता था। फिर सोचता हूँ कि क्या चाहता था। सत्य कितने लोग हैं जो सचमुच जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं? तुम जानती हो कि तुम क्या चाहते हो? मैं समझती थी कि मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं सोचती थी कि मैं मौका मिलते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, किसी से कोई सरोकार नहीं रखूंगी। लेकिन मैं अभी तक वहीं पर हूं जहां पर मैं थी। हमें संजीदगी से अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए। क्या फायदा? फायदा? अच्छा तुम ये बताओ कि अगर तुम सचमुच ये समझती थी कि तुम सबसे अलग थलग रहकर अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके पर बसर कर सकती हो, तो फिर तुमने अपने इस ख्याल को अमली जामा क्यों नहीं पहना है? नहीं, नहीं, तुम जरूर अपने आप से कुछ छुपाती रही हो। तुम भी तो अपने आप से झूठ बोलते रहे। अगर तुम यही चाहते थे कि तुम अपनी नासूदा ख्वाहिशों पर कभी अफसोस मलते मलते जिंदगी गुजार, उसमें कौन से हाथी घोड़े जुड़ते, बस एक कोने में बैठ रहो। अगर तुम ये नहीं चाहते। अच्छा तो फिर मैं क्या चाहता? तुम ये चाहते हो कि लोग तुम पे तरस खाएं, एक नन्हे बच्चे की तरह तुम्हारी नाज बरदारी करें। दरअसल तुम्हें प्यार और मोहब्बत की तलाश है, वो प्यार और मोहब्बत जो तुम्हें तुम्हारे वालदैन से नहीं मिला। चलो ठीक है, कम से कम मैंने एक जिम्मेदारी तुमने भा ली ना, शादी, बीवी, बच्चे, घर। शादी करने, बच्चे पैदा करने में कौन से पहाड़ काटने पड़ते? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी अगर हो जाती तो वो शायद ज्यादा खुशगवार जिंदगी बसर कर सकते। आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। अब ऐसे अगर आप चाहें तो ये समझ सकती हैं। वैसे अगर मैं शादी कर लेती जो मैं कतई नहीं चाहती थी, तो मैं आप जैसी नाखुशगवार जिंदगी पर अकेले रहने को तरजीह देती। नाखुशगवार जिंदगी मेरी? ये किसने कह दिया आपसे? मैंने तो नहीं कहा। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ, और ये बात आप भी जानते हैं, चाहे आप माने या ना माने, कि अगर आपका बस चलता तो आप कब का उस गरीब को चलता करते थे। सचमुच? सचमुच। सफिया साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी बीवी नहायत सुलझी हुई तबीयत की नफीस तबा खातून है। प्लीज सफदर साहब, आप अब बैठ जाएं और अपना काम करें। और आपकी इत्तला के लिए मजीद अर्ज है कि मैं अपनी बीवी पर आप जैसी सैकड़ों लड़कियों औरतों को कुर्बान कर सकता हूँ। चलिए कुछ देर के लिए तो आपसे निजात ली। जाइए जाइए, आगे आपके डायरेक्टर साहब को बुलावा, जाइए। आप क्यों जले मरे जाते हैं? जलता है मेरा जूता। अल्लू की, क्या आपने कुछ कहा? हेलो।
देखिए मैं सफदर बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जहमत देने के लिए, जरा पड़ोस में से फायक की अम्मी को बुला दीजिए। आई अच्छा तो फिर जरा मेरी उनसे बात करवा दीजिए। हाँ हेलो हेलो ना भाई, मैं सफदर बोल रहा हूँ भाई। वो दरअसल मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है कि रात मेरा मूड कुछ ऑफ था, उसकी वजह से मैंने तोश लहजे में तुमसे बात कर ली थी। सुबह बात करने का मौका नहीं मिला दफ्तर में। हाँ मैं माफी चाहता हूँ। नहीं 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 भाई, तुम नहीं समझती, तुमको पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, कितना कितना प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे कह दो माफ कर दिया है। खुदा खुदा हाफिज। हाँ बिल्कुल, मैं दफ्तर के बाद फौरन फौरन कराऊंगा, बिल्कुल सीधा। खुदा हाफिज। डायरेक्टर साहब से चार चार कापियां मांगी हैं अभी अभी। क्या कहा है, आवाज नहीं आई? आप भी काम खोल कर सुन लें, गया जाकर अपने डायरेक्टर साहब को बता दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं लगा हुआ प्राइवेट। ये बात आप खुद कह दें उनसे जाकर। हाँ इसमें भी क्या हर्ज है, आज जरा साफ साफ बात हो ही जाए। रोज रोज की छक छक से मैं जाती हूँ। और आपका भी समझा, वो दो कौड़ी के लोग हुक्म चलाने के लिए आ जाते हैं डायरेक्टर पर। क्या रिजाइन देती आप? क्या रिजाइन करती हूं? मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूं, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता हूं, अपने बाजुओं पर भरोसा करता हूं। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी नौकरी पर और तुम पर भी और इस ऑफिस पर भी। कोई किसी को नहीं जानता, हम सब इस दुनिया में अकेले हैं, अकेले इस जालिम जहां में अकेले, समझिए आप। हाँ ये तो आप ठीक कहते हैं। मैं तो जाने कब से इस शहर से चला जाना चाहता हूं, इस शहर में मेरा दम घुटता है। इस शहर में बसों के धुओं, कारों के हॉर्नों, हड्डियों का अरक निचोड़ते हुए इंसानों और रिश्वतखोरों के पंजों में सिसकते हुए लोगों के ख्वाबों की बू बसी हुई है, मेरा दम घुटता है यहां। मैं तो जाने कब से ये सोचता हूं कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां बुलंद पहाड़ हों, सरसब्ज वादियां हों, साफ शफाफ पानी के चश्मे हो, नीला आसमान हो यहां से वहां तक फैला हुआ। पता है मैंने भी बचपन से ऐसी जगह के ख्वाब देखे हैं, सबसे अलग थलग, तमाम परेशानियों से दूर। सच कह रही हो सफिया? हाँ सफदर, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हाँ वाकई इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हारे बालों को छू लूं? नहीं हो गई? नहीं सफदर, सफदर मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, तुम भी अपनी बीवी से बात कर लो,
اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی بلا ساری ہو. ہمیں ہر ایک کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے, ہے نا؟ اپنی بیوی سے بات. ہاں, اس لیے کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں نا. صفو, تم سمجھتی نہیں ہو. ہم صفو, غلطی میری ہے. نہیں صفو, نہیں, غلطی میری ہے. میں نے مجھ میں کبھی کوئی کام کرنے کی جرات نہیں تھی. میں نے اپنی ساری زندگی اپنی کاہلی اور اپنی خود غرضی کی نظر کر دی. میں نے کبھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا. زندگی بھر سوائے اپنے مقدر کو رونے کے اور کچھ نہیں کیا. بالکل اپنے صفدر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ہوا؟ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری زندگی تو جیسی گزرنی تھی گزر گئی. میری بیوی باہر میں جائے یہ زمانہ, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن میں اپنے بچوں کا کیا کروں؟ ان کے بغیر تو میں اتنی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. صفدر, اب تو میری نوکری بھی چلی گئی. صفدر, تم ہمت سے کام لو. ہمت سے کام لو صفدر. تم جا کے ڈائریکٹر صاحب سے کیوں نہیں بات کرتے؟ اب بات کرنے کو کیا رہ گیا ہے؟ میں سب کچھ ہونے کے بعد ابھی کچھ رہ گیا ہے کیا؟ تم جاؤ تو صحیح. تم ان سے معافی مانگ لینا, پیر پکڑ لینا, کچھ بھی کر لینا, مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم سے اچھا ٹائپسٹ ان کو نہیں مل سکتا. جاؤ. میں رکھنا, اچھا, اور ان کو کسی بات کا جواب مت دینا, ٹھیک ہے؟ جاؤ. ٹھہرو صفدر. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو تم دیکھو گی کہ میں ایک نیا انسان ہو جاؤں گا, ایک نیا صفدر علی. شکریہ. کس بات کا؟ کاش ہماری ملاقات پہلے ہو گئی ہوتی. میں نے بھی, خیر تم جا, دیر ہو رہی, کہیں وہ اٹھ نہ جائے. Yeah.
लगता है उन्होंने माफ कर दिया। हाँ माफ कर दिया। चलो मुबारक। या मुझे अफसर तुम पता है एक जमाने में मैंने गाना गाना सीखना शुरू किया था। अच्छा क्या या मुझे अफसर शाहाना आवाज तो अभी भी बहुत अच्छी है। ओ था या मैं रहता सुन लेंगे तो फिर नाराज होंगे। अच्छा ताजे बजने में 5 मिनट बाकी हैं सफिया। हम आमतौर पे 2 मिनट पहले उठते हैं। हाँ वो तो मुझे मालूम है। मैं फिर सोच रहा था आज जल्दी नहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है। नहीं अभी 1 मिनट बाकी है। अंडरवेयर प्योर कॉटन अंडरवेयर एंड वेस्ट अंडरवेयर और बनियान ये जो हमारे नए डायरेक्टर आए हैं इनका क्या नाम है भला? चौहान या नाम मुझे याद नहीं रहते अभी। हाँ मेरे भी जहन को पता नहीं कुछ हो गया है। चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी।
हरज ही क्या है, तुम्हारे बस स्टॉप से जरा आगे ही तो मेरा मिनी का बस स्टॉप है। अच्छा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी थी। Thank you.